तो अगर आप भी किसी का भी आधार कार्ड नंबर टाइप करके आधार कार्ड नंबर डाल के उनका डिजिटल राशन कार्ड निकालना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि आप आधार नंबर डालकर किसी का भी राशन कार्ड डिजिटल राशन कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, कैसे आपको डिटेल को फिलअप करना होगा और किस पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पे डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करना होगा जो हर जगह मान्य होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा SSUP। आपको पहले SSUP लिख के सर्च कर देना, जैसे आप इतना लिख के सर्च करिएगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पहला जो लिंक देखने को मिलता है आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसी लिंक पर क्लिक करिएगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सर्विस बीच कैन बी अवेल्ड इवन इफ़ मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विथ आधार। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आप ये सर्विस आप यूज कर सकते हैं, ये भी हम आपको इंक्वायरी बता देते हैं। इसके बाद इसे पोर्टल आपको क्या करना है, नीचे आना, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है चेक आधार वैलिडिटी, तो आपको पहले इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो फिर देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा, कैप्चा कोड को टाइप करना होगा और प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर लीजिएगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब यहाँ आपको क्या देखना है, ये जो आपको यहाँ देखने को मिलता है मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखते हैं मोबाइल, तो आपका ये आपको ध्यान देना है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए तो भी आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका आधार में लिंक मोबाइल नंबर आपके पास है या नहीं है। ये 3 डिजिट आपको देखने को मिल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नया टैब को ओपन कर लेना है। जब नया टैब को ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा डिजी लॉकर, ठीक है, आपको डिजी लॉकर लिख के सर्च कर देना। जैसे आप लिख के सर्च करिएगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहला लिंक देखने को मिलता है digilocker.gov.in, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसा भी इस लिंक पर क्लिक करेगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर पोर्टल में थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करिएगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है साइन इन का, तो आपको इस साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर इस पोर्टल पर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर टाइप करिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। नहीं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो आपको साइन अप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा साइन अप वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है क्रिएट अकाउंट इज फास्ट एंड ईजी, तो आपको फुल नेम टाइप करना है, जो आपके आधार कार्ड पे नाम होगा वही आपको नाम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है, जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर रहेगा सेलेक्ट करिएगा। फिर मोबाइल नंबर को टाइप करना है, 1 6 डिजिट का MPIN यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। पिन को क्रिएट कर लीजिएगा, अपना ईमेल आईडी टाइप करिएगा, आधार नंबर टाइप करिएगा। जैसा सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तब को साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप आधार कार्ड से लॉगिन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार पर क्लिक कर लीजिएगा, आधार नंबर टाइप करके भी लॉगिन हो सकते हैं। नंबर टाइप करके नेक्स्ट करिएगा तो आपके सामने देखिएगा पिन जो आप क्रिएट किए रहेंगे पिन को यहाँ पर टाइप करना है और साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलता है, यहाँ मोबाइल नंबर पर OTP को सेंड किया जाएगा, OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं OTP आ चुका है तो OTP आपको वही OTP टाइप कर देना है, जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया रहेगा वही OTP को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप कर लीजिएगा, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा देख सकते हैं यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लॉगिन हो गए हैं, लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो आप डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन, सबसे पहले आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप 3 लाइन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है सर्च डॉक्यूमेंट का, तो आपको सर्च डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको देखने मिलता है स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे व्यू आल का एक ऑप्शन देखने मिलता है, आपको व्यू आल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे व्यू आल वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखते हैं यहाँ पे आल स्टेट दिया हुआ है तो जो भी आपका स्टेट होगा अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी स्टेट रहेगा आपको अपने स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट
कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे नीचे आप देखते हैं ऑल स्टेट दिया हुआ है, तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना राशन कार्ड। अब यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर आप देखिएगा, ऊपर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टाइप कर लेना राशन कार्ड। अब इतना आपको लिख के इसको बस सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे देखते हैं पहला ही देखने को मिल गया है। यहाँ पे देखते हैं राशन कार्ड फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, तो आपको इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे राशन कार्ड नंबर टाइप करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपको कैसे निकालना है आधार कार्ड नंबर के माध्यम से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेगा आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा मेरा राशन। आपको मेरा राशन लिख के सर्च कर देना और इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जो ये ऐप देखने को मिल रहा है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करिएगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो कुछ अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको अलाउ भी कर देना है। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आधार सीडिंग वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर राशन कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर को सेलेक्ट करिएगा, आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जगह यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का ऑप्शन। यहाँ पे देखने को मिलता है कार्ड नंबर, जो ये नंबर आपको इसी को नोट कर लेना, नोट करके आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको कॉपी कर लीजिएगा, कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और यही नंबर आपको वहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख लेते राशन कार्ड नंबर टाइप करेगा, अपने स्टेट को सेलेक्ट करेगा, बस गेट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कर लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन देखने में, तो आपको इशू डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा आप जितना भी इशू किए रहेंगे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाद आपको यहाँ पे देखने मिलता है राशन कार्ड, तो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, एक थ्री लाइन, आपको थ्री लाइन पे क्लिक कर देना। थ्री लाइन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, थ्री लाइन पे क्लिक करिएगा रिफ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, देखिएगा आप उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपका ओपन हो जाएगा, बस आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपका डिजिटल राशन कार्ड यहाँ से डाउनलोड आप कर लीजिएगा, ये हर जगह मान्य रहेगा। तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ पे डिजिटली साइन है, यहाँ पे देखते हैं डिजिटल साइन है, यहाँ पे क्यूआर कोड भी है और यहाँ आपका राशन कार्ड नंबर है, आपका यहाँ पूरा डिटेल है, कितने मेंबर है, सबका मेंबर है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।